है वो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में अपन लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में अपन लोग ने कुछ गाड़ियां ली थी और गाड़ियों को सेल कर दिया था और अपने पास अभी बहुत सारा पैसा आ चुका है। मेरे पास $1.5 लाख आ चुके हैं और इनसे आज हम कुछ और गाड़ियाँ लेने वाले हैं। लेकिन इस गेम का भाई नया अपडेट आ चुका है और इस नए अपडेट में गैस स्टेशन इन लोगों ने भाई ऐड कर लिया है, फ्यूल स्टेशन ऐड कर लिया है। वो तुम लोगों को सामने दिख रहा होगा रेड कलर का, ये इन लोगों ने ऐड किया और कुछ गाड़ियां वगैरह भी ऐड की हैं। और ये देख रहे हो तुम लोग फ्यूल स्टेशन। आई थिंक अपन इस यहाँ से अपनी गाड़ी में फ्यूल वगैरह फिल करवा सकते हैं, लेकिन अपन तो कभी करवाते नहीं क्योंकि अपन इतना ज़्यादा गाड़ी चलाते ही नहीं है। जब अपन सुपर कार लेंगे तब हम ज़रूर यहाँ पे फ्यूल भरवाने आएंगे भाई। तो चलो फिलहाल मैं बस लेके भाई कार मार्केट आ चुका हूँ। तो चलो यहाँ से अपन लोग देखते हैं कि भाई आज भी अपने को कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए जो अपन लोग सस्ते में लेके उसको महंगे में बेच सकें। आई होप अपने को कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं भाई। बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, ये भाई फरारी वगैरह, ये सारी गाड़ियाँ तो मेरी औकात से बाहर हैं भाई। ये देख लो लैम्बोर्गिनी भाई, मर्सिडीज़, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। एक दिन अपन लेंगे, लेकिन आज अपने पास पैसा नहीं है। एक सही ये बुगाटी देखते हैं अपन, अभी 4 लाख से भी ऊपर की है भाई, ये तो बहुत महंगी। ये तो इतने पैसे तो मेरे पास टोटल इतने पैसे मैंने कमाए नहीं है इस गेम में। ये भाई लैम्बोर्गिनी देखते हैं भाई, ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। मैं कुछ सस्ती सी गाड़ी ढूंढता हूँ फिर तुम लोगों से मिलता हूँ भाई। ऑलराइट गाइस, मैंने ये वाली गाड़ी यार बाय कर ली है क्योंकि बाकी सब गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी थी और इतनी मेरे पास भाई पैसे हैं नहीं फिलहाल। तो मैं यही मैंने एक सस्ती सी गाड़ी ली है। तो चलो इसको अपन रिपेयर कराते हैं और भाई इसको बेचते हैं भाई, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था कि मैं कोई सुपर कार ले सकता भाई, इसलिए मैंने ये वाली गाड़ी ले ली सस्ती वाली। तो चलो भाई मैं गाड़ी रिपेयर करा के आ गया हूँ भाई। तो चलो इसको अपन लोग सेल पर लगाते हैं। मैंने $37,000 की ये बाइक की थी, तो चलो इसको अपन लोग भाई बहुत ज़्यादा महंगा मैं बेचने वाले हैं। ये पता नहीं मॉडल कौन सा था, मैंने देखी नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी, मैं ऐसे ही लेके आ गया था। तो $70,000 की मैं इसको बेच देता हूँ, आई थिंक बिक जाएगी, ऑन सेल मैंने कर दिया है। ऑलराइट गाइस, एक मैडम जी आ चुकी है अपने शोरूम पे भाई। कस्टमर है 37 भाई, पागल हो गई है। 37 की मैंने खुद ली है, ये आई थिंक मैंने इतने की ली है ना, 37 की मैंने खुद ली है भाई। इतने में तो चल निकल तू पागल भाई, यहाँ इतने में ही लेनी है तो जाके वहीं से ले ले, यहाँ पे क्यों आना है तुझको। एक तो मैंने रिपेयर करा के भाई 7,000 रुपये मैंने, मतलब 3,000 रुपये मैंने इस पर एक्स्ट्रा लगाए हैं भाई रिपेयर वगैरह कराने के। ये भी 39 बोल रहा है भाई, ये गाड़ी नुकसान दिलाने पे तुली हुई है भाई। इसको बोल के देखते हैं भाई 50 में लेके जा भल मज़े कर, बहुत बढ़िया गाड़ी है, ऐसी गाड़ी तुझको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है भाई। नहीं बोल रहा यार, क्या है, तो निकल यहाँ से भाई, और कस्टमर आ जाएंगे अपने पास, तुझे नहीं लेनी है तो मत ले। ओके भाई, ये किसकी गाड़ी? ओके एक मैडम जी अपनी सुपर कार बेचने आएंगे अपने शोरूम पर भाई, लेकिन अपने पास इतना पैसा ही नहीं है। ये भी 39 बोल रहा है भाई, निकल यार यहाँ से तू। ये अंकल जी कितने में लोगे? 39 आप भी यार, क्या गरीब लोग पैसे तो कमा के, सब लोग 39 बोल रहे हैं, क्या हो गया इनको? 40 में ले जाओ भाई, 40, 45, 50, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लाया करो। 50 इसको बोल के देता हूँ, ये अमीर लग रहा है शायद, ये लेके जाए भाई। ओके 50 में बिक गई भाई, 50 में बिक गई। मेरे पास $161,000 है भाई। ओके वो जो मैडम जी आई थी सुपर कार लेके, तो चलो इनसे बात करते हैं ये कितने में दे रही, क्या पता इतने में ही दे दे बंद। भाई साहब इतनी महंगी गाड़ी, मैडम जी इतने पैसे, अगर मैं अपनी सारी जो भी मैंने आज तक गाड़ियाँ भेजी हैं वो सारों के पैसे भी मिला लूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं होंगे फिलहाल। तो यार आई थिंक मुझे ऑक्शन जाना चाहिए यार, मैं आज तक कभी भी ऑक्शन नहीं गया हूँ। तो मैं सो जाता हूँ, कल सुबह ऑक्शन ओपन होगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ अपने को ऑक्शन में जाना चाहिए। तो मैं सो के उठता हूँ फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं ऑक्शन पे आ चुका हूँ, पहले टिकट तो लेते हैं भाई। ओके मैंने एक टिकट ले ली, लेकिन अभी ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आई थिंक 15-16 सेकंड कुछ इतने हैं, इसी सीट पे बैठ जाते हैं। ओके 15 सेकंड में सही था भाई। तो चलो मैं वेट करता हूँ फिर मैं तुम लोग से मिलता हूँ भाई। ऑक्शन स्टार्ट, आज मैं 2 गाड़ियाँ तो लेके जाने वाला हूँ ज़रूर। और गाइस ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है और भाई ये क्या कचड़ा गाड़ियाँ आ रही हैं भाई। आई थिंक पहले वाली 2 जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, जो आखिर वाली 2 होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं। तो चलो वेट करते हैं, ये गाड़ी तो अपने काम की है ही नहीं भाई, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब महंगी गाड़ी आएगी तभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। वो पिछली 2 गाड़ियां तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, लेकिन ये तीसरी वाली थोड़ी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने इस पर बिट किया है और ये गाड़ी अपने को मिल चुकी है। और ये तीसरी वाली भाई, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये भाई 32,000 से इसकी बेट स्टार्ट है और मैं इस पर बेट करने वाला हूँ और ये गाड़ी भी मैं 100% लेके जाने वाला हूँ। इन दोनों गाड़ियों को तो भाई मैं बहुत महंगे में बेचने वाला हूँ,
चलो इसको भी तो मैं खरीद लूंगा आराम से, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है गरीबों के पास। ऑल राइट गाइज, मैंने दो गाड़ियाँ खरीद ली, एक गाड़ियों को तो मैंने टो करा के बेच दिया है शोरूम पर, और ये दूसरी गाड़ी जो कि पता नहीं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वाली लग रही है, तो इसलिए मैंने ये भी ख़रीद ली। तो चलो इसको भी शोरूम पर लेके चलते हैं और देखते हैं, भगाते हैं इसको, इसकी स्पीड कितनी और ये ड्रिफ्टें मारती है या फिर नहीं, और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है प्लीज़ इसको इग्नोर करना यार। तो चलो मैंने फटाफट से इनको पार्क कर दिया है भाई अपनी डीलरशिप के अंदर, तो चलो इनको अभी सेल पे लगाते हैं फटाफट से भाई। एक गाड़ी मैंने 70,000 की और एक दूसरी 37 की मैंने ली थी, तो 70 वाली को अपन को कितने में बेचना चाहिए कि अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए? तो भाई इसको अपन लोग बेचेंगे 50 में, हाँ 50 में अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, आई थिंक 30% अपन को ज़्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, 50,000 की एक को लगा दिया, जो मैंने 36 की ली थी वो तो मैं सोच रहा हूँ भाई 1,00,000 की डाल दूँ या फिर 85,000 की डाल देता हूँ। हाँ 85,000 की डाल देता हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं डालना है कि वो बिके ही नहीं भाई, तो इसलिए थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखना है। अगर ये दो गाड़ियाँ इतने में बिक गई तो अपने पास $2,00,000 हो जाएंगे भाई। तो चलो इनके कस्टमर भी आना स्टार्ट हो गए भाई, तो चलो पहले इस मैडम जी से बात करते हैं, ये कितने में ले रही है भाई? ओके ये गाड़ी बिक रही है 75 की तो बिक रही है, अच्छा है अच्छा है। ये भी देखते हैं भाई ये कितने की बिक रही है, ये तो 35 की बिक रही है, मैंने कितने की डाली थी ये 50 की डाली थी ये मैंने आई थिंक, ये 35 की बिक रही है, इतना कम भाई 40 में ले ले, चल 40 में तेरे लिए बोलता हूँ, 40 में लेके जा बस मज़े कर, मैं वेट नहीं करना चाहता और क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 40 में नहीं चाहिए तो निकल भाई। तू कितना बोल रहा है भाई? तू भी 36 बोल रहा है, तू भी 40 में लेके जा मज़े कर भाई, 40 में बहुत अच्छी गाड़ी, इसको मैं 45 बोल देता हूँ भाई, थोड़ा बहुत 5,000 ज़्यादा बोल देते हैं, क्या पता ये ले ले अमीर हो। ओके भाई इसने ले लिया, अच्छा हुआ मैंने 40 नहीं डाला, मैंने 45 डाला भाई। इसके भी दो दो कस्टमर आ चुके हैं, ये 78,000 बोल रहा है, इसको अपन 80 बोल के देखते हैं लास्ट, $80,000। चलो ओके 80 मैंने लिख दिया, बराबर लिख दिया ना भाई, ऐसे नहीं पिछली वीडियो की तरह अपने ऊपर स्कैम हो जाए भाई, अपनी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं और अपने पास $2,31,000 हो चुके हैं। तो बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।